जय गुरु बाबा। प्रवचन नंबर 26, 1 नवंबर 1969 सिकंदराबाद में। वास्तुनी जो निवास स्थान है ब्रज,
उसको कुछ मसीह हम जाते हैं दस जाने के लिए, हमारी इच्छा होती है कि उस ब्रजभूमि में हम चलें जो ब्रजभूमि हमारी जुगल सरकार के चरण पंक्तियों से अंकित, हमारी पूर्व माता जी बीमार है, कृष्णा माता क्या चाहती हो बहन हर वजह के मन उस भूमि में चले जहां जुगल सरकार एक लता राम भगने को में पड़े हुए दोहित्र है, जिमाई है, पुत्री है, किसी से स्नेह नहीं, दिल यही चाहता है कि वहां चले जो प्यारे श्री कृष्ण की पीड़ा स्थली ब्रज को। इधर मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा जो बड़ा कृष्ण का प्रेमी जिसने 39 से लेकर 64 तक 25 सूक्तों का दर्शन किया, कल जिनकी मैंने वो कथा सुनाई थी वृंदावन से जब भगवान मथुरा को प्रस्थान कर रहे हैं, वो ही दीर्घतमा बोलता है हे भगवान दिल नहीं चाहता कि तुम्हारा धाम पर रहे, जी नहीं चाहता लक्ष्मी नारायण के वैकुंठ में जाए, दिल नहीं चाहता कि लाखपति शंकर के दर्शन करें, चाहता क्या हूं आपकी जो है युगल सरकार की पीड़ा की राजी उसमें कहते गुमन देव उसम से ही वहां जाने का दिल चाहता है। जैसे भाई को ग्रंथ है क्या पता कैसे चलेगा कि वो ब्रज है, यत्र गावो हुई सिंगा अयासा, यहां बड़े बड़े सिंगों वाली गौएं कहते कोई चक्कर काट रही हो उसी समय पता लग जाएगा कि ये ब्रज है। पता है आपको जिसमें घूमने चलती हो उसका नाम ब्रज है, जिसमें घोड़े अच्छे हो उसका नाम अरब, तो गंदा ना जिसमें ऊंट घूमते हो रेगिस्तान वो अरब, जिसमें घोड़े हो वो गंधार, अच्छे घोड़ों के देखने से पता चलता है ये गंधार है, अच्छे ऊंट देखने को मिले ये पता चलेगा कि ये मारवाड़ है रेगिस्तान है या ये अरब है। जब इस तरह यहाँ बड़े बड़े सिंधों वाली गंगा घूमती हो गंगा का दर्शन होते ही पता चलता है कि यहाँ गोपाल जरूर होंगे, गोपाल के बगैर उसकी प्यारी गंगे आएंगी कैसे। अब भगवान की क्रीड़ा भूमि ब्रज भी देखा, गंगों को भी देखा, ये सब देखने के बाद वल्लभाचार्य ने कि बेटे विश्लेष ने अपने विद्वत मंडन पुस्तक में इस मंत्र की व्याख्या है। क्योंकि लोग ये कहेंगे कि श्री राधा जी उनकी प्राणेश्वरी उसका भी कहीं वेद में दर्शन हुआ, अरे भाई लोग कहते श्रीमद् भागवत में राधा, मैं कहता हूं श्रीमद् भागवत में क्या वेदों के तो राधा के दर्शन वेद में होते हैं वो भी बड़े आदर के साथ। ऋग्वेद मंडल पहला सूक्त है भाई की मंत्र है क्या लिखा स्तोत्र राधा नाम पते वीरवान वीर यस्ते विभूति रसुंद्रता, कहते हे राधा रूपदे स्तोत्रम आपका जो स्तोत्र है उसको हम पढ़े दिन रात, हम आपका स्तोत्र पढ़ते रहे, पर किसका न रुक्मिणी पति का न सत्य भामापति का न अर्जुन के सखा का न यशोदा नंदन का न नंद नंदन का, यहां विशेषण देते राधा नाम पति जो राधा का ध्यान रखना। श्री जी का आदर आज भी ब्रज में भगवान से अधिक, अरे भाई उनका नाम ही श्री है। देखो जब किसी बड़े पुरुष को आपने लिखना हो सर्वश्री महाराज श्री, इसलिए अब आप समझ लो राधा नाम पते, उधर तो पते है एक वचन, जैसे किसी को कह दे तू
और श्री राधा जी के लिए है वो वचन आप। तो बस बात बीच युक्ति युक्त है। पिता से माता का स्थान बहुत ऊंचा। मनु जी ने लिखा है सहस्रम तो पितृं माता गौरवी नाहि। माँ का दर्जा पिता से हजार गुना ऊंचा होता है, फिर क्यों ना यहाँ हमारी जगत जननी ही भगवान की प्राणी श्री राधा के लिए बहुवचन दिया गया। राधा जी के जो पति उधर एक वचन पिता के लिए और माँ के लिए बहुवचन है। कारण क्या? माता का अर्थ बनाने वाली। हमारे श्री की रचना माँ से बनती है और पिता तो रक्षा करता है बने बनाए श्री। चाहे हम दाता बने चाहे भक्त बने, हमें शूरवीर बने, ये शूरवीर दाता और भक्त बनाने वाली कौन है? माँ। गोपी चंद को माँ ने तो फकीर बनाया, योगी बनाया, राज्य से व्रत करके योग वेश में बेटा को पहुंचाकर मानव जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति वहां तक पहुंचाने वाली गोपी चंद की मां। अरे भाई पीर के साथ भी ऐसी मुस्लिम फकीर हुए हैं पीर। आप जानते हो मुस्लिम भाइयों की प्रवृत्ति कुछ राजस्व होती। फिर को माँ ने कहा बेटा क्यों सो रहा है, क्या तू नहीं देखता तेरी आंखों के सामने तेरे माता पिता तेरे दादा पिता चले गए, क्या अभी भी तुझे विश्वास नहीं हुआ कि तेरे मापड़े जीनी जीनी तेरे देख के लद गए वजह ना मुझे। प्रीत भक्त की वाणी में आता है कि जो माँ बाप जन्मदाता थे पिता दादा परदादा वो तेरी आंखों के सामने चले, अभी भी तुझे विश्वास नहीं हुआ, क्या तू ये मान रहा है कि तुझे जगत पर रहना? बस इसी का नाम तो माता है। नर से नारायण बना दिया, चल दिया संसार छोड़कर जंगल में। जंगल में जब गया तो उसने समझा रोटी दूध माल हुआ तो छोड़ दो, तपश्चर्या करना है, वृक्षों के पत्ते सूख कर खाने लगे। जब वापस घर में आया कुछ रोम बड़े हो गए थे, माँ ने यूं रोम खाई। माँ दर्द होता है, पेन है, ग्रेट पेन। माँ कहते उन वृक्षों को पेन नहीं हुई जिनके तू पत्ते तोड़ता रहा। अब प्रीत जी ने खाना नहीं छोड़ा और प्रीत जी डरते हैं कि मुल्तानी कहलाते सिंह जी, पाकिस्तान के मुल्तान था पास, मुल्तानी भगत वाला बगैर समोसा खिलाए कैसे? यहां प्रीत जी जाए साई बठो कुछ तो खाओ। उसने एक बनावटी लकड़ी की रोटी बनाकर अपने पेट से बांध ली कि मैं तो इतना भोजन कर चुका हूं अभी तक मेरे पेट के साथ बनाऊंगा मैं क्या करूं। जब वापस आए बड़ा तपस्या का गर्व है, माने का बेटा किसी वृक्ष को तो नहीं सताया, मां किसी को नहीं सताया, कहीं ये पेट के साथ क्या बांध लो? कहीं लकड़ी की रोटी, ये किस लिए? कहते लोग भोजन के लिए तंग ना करें। कहते वाह बेटा ये काहे की तपस्या, तो झूठ बोलता रहा। भाई फरीद को अगर इतना ऊंचा उठाया तो किसने उसकी मां ने माता का? किसी तरह राधा मां जो है जब हम उसकी शरण में चले जाए फिर वो हमको मनुष्य रण देती, श्याम सुंदर से सिफारिश करके फौरन हमें उसका पार्षद बना देती। कहा है नौमी श्री राधिका देवी वृंदारण्य बिहारिणी जग कृपा बिना तो ही नहीं। कृष्ण राधा कृष्ण देवी का हम
नमन करते हैं, जो वृंदावन में क्रीड़ा किया करते हैं प्रभु के साथ, जिसकी कृपा से बगैर कोई श्री कृष्ण के दर्शन का नहीं। राधा पारेश हो, उस माता को वेद ने वह वचन दिया राधा नाम। अब इससे पता चल गया तुम्हें भी मिल गई, रज भी मिला। अरे भाई, श्री राधा जी के भी दर्शन हो गए, उधर महादेव जी का भी पता चल गया, ये भी पता चला कि वो जेल में रही, ये भी पता चला कृष्ण ग्वाले हैं, ये भी पता चला उनका नाम कृष्ण है, ये भी पता चल गया वो विष्णु भगवान है। क्यों कुछ कमी रही? लोग कमी रही तो सब पूरी कर। एक मुझे भाई क्वेश्चन मिल गया, वो कहता है कि राम कृष्ण के तुम बड़े उपासक हो, आपके जो मुख्य वेद है उनमें तो रामकृष्ण का नाम तक है। कहते हाँ, कहीं राधा देव की आ गया होगा, पर पूर्ण चरित्र उनका वेद में कहाँ? मैंने कहा एक ही वेद मंत्र में, नोट कर लीजिए, ऋग्वेद मंडल 4 सूक्त 58 मंत्र 3, यहां श्री कृष्ण को वृषभ बतलाया। वृषभ का अर्थ क्या होता है? जैसे बैल के द्वारा किसान की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, जो अपने भक्तों के सारे अभिष्ट सिद्ध कर दे, उस कृष्ण का नाम है वृषभ, कामनाओं की वर्षा करने वाला। युधिष्ठिर ने राजा बनना चाहा, शत्रुओं का संहार करके उसे राजा बना डाला। विदुर ने ज्ञान चाहा, उसे मैत्रेय के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर दिया। उद्धव ने चाहा कि मैं अपने स्वरूप को पहचान जाऊं, उसे एकादश स्कंद के द्वारा ब्रह्म विद्या दान करके सच्चा ज्ञानी बना दिया। हमारे कृष्ण वो कर्मयोगी को प्रोत्साहन कर अलौकिक कृपा कराते, वो भक्त को प्रेम का पाठ पढ़ाकर सच्चा भक्त बना देते हैं, वो जिज्ञासु को ज्ञान देकर अपने आत्मा का दर्शन। कहते महाराज, कहते चतवारी श्रृंगा, देखो भाई, बैल के शरीर में सबसे ऊंचे क्या होते हैं? तो श्री कृष्ण चित्र में सबसे ऊंचे कौन है? 4 कृष्ण, बलराम, प्रद्योमन और अनुरुद्ध। श्री कृष्ण चरित्र के चारों पात्र आ गए, कृष्ण, बलराम, प्रद्योमन, अनुरुद्ध। और वैष्णव उपासना में इसको चतुर्व्यूह उपासना कहा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्योमन, अनुरुद्ध। उधर वासुदेव तो भगवान ही है, और संकर्षण कहा गया है मन का नाम, प्रद्योमन अहंकार, इस प्रकार उसको मनबुद्धित अहंकार उस रूप में भी ढाल दिया जाए। कहते अच्छा महाराज, फिर उनके तो 3 चरित्र हैं, वृंदावन के, मथुरा के और द्वारका के, वेद भी लिख त्रयोस्य पारा, इसका चरित्र 3 भागों में बटा हुआ है, वृंदावन का चरित्र, मथुरा चरित्र, द्वारिका, कैसा सुंदर त्रयोस्य पारा, इनके जीवन के 3 भाग। द्वे शीर्षे, कहते 2 मस्तक है, ऐश्वर्य और माधुर्य। मेरे प्रभु 7 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की आयु में अंगुली पर गोवर्धन उठाते हैं, ये भाई किसी जीव का काम है? ये है ना ईश्वर। 3 महीने के नहीं, पूतने को जब स्तन मुख में लेते हैं, स्तन के साथ दूध ही नहीं पिया, उसके प्राण भी पी गए, ये है ना ईश्वर। और माधुरी तो आप जानते, मधुर मूर्ति तो मेरे प्रभु नहीं, मधुराधि पते रखी नधुर। 2 शीर्षे हो गए ईश्वर के, और 7 उसके हाथ है, 7 कौन भाई? 5 पांडव, और विदुर महाराज और रुद्र, ये 7 उनके त्रिधावद्धा, उनका संबंध 3 से, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति, अथवा गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, 3 में उसे श्री कृष्ण का प्रतिपादन है। महोदयो, ऐसे महान श्री कृष्ण रो रही थी, जो बार बार गीता में जीवात्मा को आत्म दर्शन के लिए बार बार उपदेश कर रहे हैं,
महोदेव है मरत्या नाम वेश वो मनुष्यों के अनुग्रह के लिए दहा धाम प्रभु के परिट हुए। मैंने कहा बतलाओ कोई किस्म चरित्र की अंश रह गई पूर्ण कृष्ण चरित्र। थोड़ी सी दृष्टि भाई रामचरित्र पर भी डाल लें, इसी से रामचरित्र भी निकलाता है। चत्वारि श्रृंगा, वहां चार श्रृंग कौन है जानते हो? सीधे ही पहले वहां राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, वहां भी दौड़ना ही पड़ता। त्रयस्य पादा, तीन रामचरित्र के भाग हैं। पहला भाग कौन भाई? अयोध्या। दूसरा भाई वनवास। तीसरा लंका विजय। और फिर क्या द्वेषी, भगवान के जीवन में दो प्रधान बातें, प्रजा भक्ति और राष्ट्र भक्ति। वो प्रजा के बड़े प्रेमी थे और देश के बड़े प्रेमी। कल मैं बताऊंगा सारे रामायण में भगवान की राम की राष्ट्र भक्ति। दो मुख्य बातें थी, वो देश के भक्त थे और प्रजा के भक्त। या यूं कह दो प्रजा के भक्त थे और गुरुजनों के। चाहे गुरुजन भक्ति प्रजा भक्ति कह दो, चाहे राष्ट्र भक्ति और प्रजा भक्ति कह दो, ये उनके जीवन के मुख्य लक्ष्य। सब तहस्ताशय सात उनके हाथ थे। बोलो कौन कौन से? गुरुजन, सुग्रीव, अंगद, महावीर और नलनील। विभीषण, सुग्रीव, अंगद तीन, नलनील पांच, महावीर और जामवान, जिन्होंने अंत में कृष्ण अवतार में आकर अपनी कन्या दी है। ये उनके साथ त्रिदावधा, तीन से उनका संबंध है, पिता से, दशरथ से। पहले अपने सत्य प्रतीक पिता से उनका संबंध हुआ जिससे वो सत्य प्रतीक बन गए। फिर विश्वामित्र गुरु से संबंध हुआ जिसके कारण वो धनुर्धारी बन गए, विश्वामित्र ने उनको बलाबल विद्या से दिया। और तीसरा संबंध वशिष्ठ से हुआ, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी ने ब्रह्म विद्या को उपदेश दिया जिससे वो पूर्व उच्च कोटि के ब्रह्म वेत्ता बन गए। तीनों से संबंध दशरथ जनक गुरु से, विश्वामित्र शस्त्र गुरु से और ब्रह्म विद्या त्रिलावधी। विभीषण सुग्रीव वाली कामना को पूर्ण करने वाले वो राम महान है और भक्तों के उद्धार के लिए वो धरा धाम पर उधारे हैं। भाई मैं तो जो यो वेदों का स्वाध्याय करता हूँ, मुझे तो रामचरित्र और कृष्ण चित्र और राम कृष्ण की सूचक जो उनके साथियों के नाम आते हैं आनंद आ जाता है। समय कर ज्ञानकार, भगवान को करो नमस्कार, उनकी कृपा से होगा समस्त विश्व का बेड़ा पार।